Assalamu alaikum and welcome to another video and vlog. आज मैं आप लोगों को विजिट करवाने वाला हूँ कैरीफोर। कैरीफोर यहाँ पर पाकिस्तान में भी होता है, हर जगह पर है कैरीफोर, लेकिन कैरीफोर के क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पर, फॉर दोज जो कि एक आइडिया लेना चाह रहे हैं, वो लोग जो यहाँ पर मूव होना चाह रहे हैं, शिफ्ट होना चाह रहे हैं उनके लिए, और जो नहीं भी चाह रहे मूव होना लेकिन एक आइडिया होना चाहिए इंसान को कि दुबई में कैरीफोर में ग्रॉसरीज के लिए कौन सी चीज़ कितने की मिलती है और क्या प्राइस होते हैं और क्या चीज़ किस तरह से होती है, उस हवाले से आज की वीडियो होने वाली है जो कि कैरीफोर का कंप्लीट डिटेल रिव्यू दूंगा मैं आपको इसमें, जिसमें हर प्रोडक्ट की प्राइस क्या चल रही है, वेजिटेबल्स किस प्राइस में चल रहे हैं, ग्रॉसरी किस प्राइस में चल रही है, मीट किस प्राइस में मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इन डिटेल आज बताऊंगा। तो पूरी वीडियो आपने देखनी है और एंड तक देखनी। देहरा के अंदर जो सिटी सेंटर का मॉल है, इस मॉल के अंदर जो कैरीफोर है मैं उस पर आया हुआ हूँ, तो देहरा सिटी से अच्छा यहाँ पर सीन ये है कि हर कैरीफोर में या हर सुपर मार्ट में डिफरेंट प्राइजेज होते हैं उसके, तो इस चीज़ को मेक श्योर कर लीजिएगा, इस चीज़ को फोरग्राउंड बिल्कुल मत लीजिएगा कि जो प्राइस मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ पूरे दुबई के अंदर या पूरे यूएई के अंदर वो यही प्राइस आपको मिलेगी, इस चीज़ को फोरग्राउंड नहीं रहना आपने, ठीक है। तो इट माइट बी डिफरेंट कि अगर आप जो है वो देहरा सिटी सेंटर के अलावा किसी और मॉल में जाते हैं या किसी और कैरीफोर में जाते हैं, इवन कि ये कम्युनिटी टू कम्युनिटी भी वेरिएट कर रही होती है प्राइस, मीन्स के अगर दुबई के साउथ वाले एरिया में अगर कैरीफोर में जो प्राइस है वो हो सकता है कि वो दूसरी जगहों पे ना हो, जो बर्षा में जो रेट चल रहे हैं वो प्राइस आपको डाउनटाउन वाले कैरीफोर में नहीं मिले, तो ये चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखना है आपको। तो फिर भाई वेलकम टू कैरीफोर, दिस इज एंट्रेंस पार्ट, चले भाई आ जाए अंदर और साथ साथ चलते रहें, मैं आपको चीज़ें बताता रहता हूँ। अच्छा तो सबसे पहले आप ये देखें, दिस इज़ लेमन, बहुत बड़े साइज़ का लेमन होता है ये। अच्छा इसमें मैं आपको ये बताऊँ कि लेमन के प्राइस तो शायद यहाँ पे मेंशन इस तरफ नहीं है, दिस इज़ द ऑरेंज प्राइस, ये है 15K, ठीक है, ये 15 दरम का पूरा, ये पूरा जो है ये 15 दरम का 3 kg तकरीबन। फिर ये कुछ अलग किस्म के ना ये आड़ू होते हैं, बिल्कुल ऐसे वो स्पेन के हैं ये, ठीक है जी, ये इसके प्राइस आ गए। फिर नाशपातियाँ, ठीक है जी, ये आ गया 7.8 अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की। चले जी मैं आपको काम की चीज़ों की तरफ लेके जाता हूँ, ये तो ड्रैगन फ्रूट हो गया, ये आ गया एप्पल। अब ये जो एप्पल है ये कहाँ के हैं भाई, ये फ्रांस के हैं, ये 10.95 kg है, ओके। देन दिस पोमीग्रेनेट अनार, अनार इज 14.95, ये टर्की के, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे ना एक एक ख़ास बात ये है कि आपको हर चीज़, जो भी चीज़ें हैं वो आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की मिलेंगी, मींस के सेब हैं तो वो डिफरेंट कंट्री के हैं, बनाना है तो वो डिफरेंट कंट्री है, तो आपको हर कंट्री की हर फ्रूट और हर वेजिटेबल मिल जाती है, तो ये एक अच्छी अनोखी बात है यहाँ पर, जो कि नॉर्मली आपको अपनी कंट्री में नहीं मिलती, क्योंकि हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो ऑलरेडी एग्रीकल्चर कंट्री है, तो वहाँ पर हमें कहीं और से इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये दीज कंट्रीज आर नॉट एग्रीकल्चरल कंट्री, तो ये तमाम चीज़ें जो कि फूड से रिलेटेड हैं, फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी ये साउथ अफ्रीका का ऑरेंज आ गया भाई छोटा वाला, ये है 8.95 का, ठीक है जी। फिर ये इजिप्ट के आ गए 7.75 के, ये इजिप्ट के, ठीक है जी। ये अपने आड़ू आ गए, आड़ू 12.95, कंट्री नहीं लिखा हुआ इस पर पैक लिखा हुआ बस ये, ठीक है जी। ग्रेप फ्रूट
7.30। ये जी लेमन, अब आप ये देख रहे हैं कि लेमन का साइज यहाँ पे बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के लेमन है। ओके जी 5.55 के ये केजी है, ओके जी। अच्छा अब मैं नेक्स्ट और आगे चलता हूँ तो ये आ गए बनाना, बनाना 4.95 पर केजी। अच्छा जी ये अब हम आ गए हैं ग्रैप्स की तरफ, ग्रैप्स इजिप्ट के हैं 5.75। ओके ये ग्रैप्स के बाद ये कुछ पैक्ड फ्रूट रखे हुए, ठीक है जी पैक्ड फ्रूट के बाद। अच्छा ये तमाम यहाँ पे पैक्ड फ्रूट है, ये लीचीज़ हैं। ओके जी लीचीज़ 22.00। ओके तो अच्छा ये उधर बनाना अलग रखा हुआ था, ये 5 दिरहम पर केजी का, ये दूसरा बनाना है, ठीक है जी। अच्छा भाई कुछ सब्जियों की तरफ आ जाते हैं तो ये आ गए आपके मटर, मटर है 18.95 पर केजी। ठीक है भाई कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं गूगल के रेट, गूगल से रेट निकाल कर, ठीक है आपकी कंट्री में क्या किस उस पर पड़ रहा है ये। अच्छा जी ये भिंडी आ गई और ये है 5.80 पर केजी। ओके जी बैगन, बैगन कॉस्ट यू 5.20। ओके जी तो ये कुछ वेजिटेबल्स आ गई यहाँ पर, मैं आपको और वेजिटेबल्स भी दिखा देता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये है अपनी शकरकंदी, ठीक है जी इसके ये है श्रीलंका की 6.95। ओके ये कुछ बड़े साइज़ के आलू हैं, ये 3.85। और हम आ जाते हैं अब आगे प्याज की तरफ। अच्छा जी ये जो प्याज है ये इंडिया की प्याज है और इसकी प्राइस है 12.50। फिर ये लहसुन आ गई, लहसुन के प्राइस है आपके 8.50। मैं थोड़ा सा कैमरा इसलिए ऊपर ही उठा रहा हूँ क्योंकि लोग यहाँ पर हैं और अच्छा नहीं लगता कि किसी को मैं अपने वीडियो में शूट करूँ बगैर उसकी इजाज़त के, और अलाउ भी नहीं है यहाँ पे यूएई के अंदर। अच्छा जी तो ये आपको ये प्राइजेज आ गए, बस ज़्यादा मैं ऊपर नहीं उठा रहा कैमरा, ठीक है जी। ये इंडिया का है अनियन और इसके प्राइस है 12.50। चलें जी अब कुछ डिफरेंट दालों और दूसरी चीज़ों की तरफ आते हैं। ये कैरीफोर की अपनी पैकिंग में है चने की दाल, ओके जी चने की दाल है, ये छोटी चने की दाल है और ये है 4.10 की और आधा किलो है ये, ठीक है जी 4 दरम की आधा किलो। इसी तरीके से हम आ जाते हैं, ये आ गई मूंग की मसूर की दाल, ठीक है जी और इसके जो प्राइस हैं वो है 9.5 समझ लें आप इसको, और ये 1 केजी है, ठीक है जी 1 केजी में आपको ये पड़ रहा है मसूर की दाल, 15 केजी में जो है वो आपको 2 किलो पड़ जा रहा है। ओके जी थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये शान वालों के, वाह भाई वाह शान 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 वाले क्या कर रहे हैं, शान वाले हमें दे रहे हैं 1 केजी 11.60 में मसूर। अच्छा शान वालों ने तो भाई सारी चीज़ें उठा के ले आई अपनी पैकिंग में। मूंग की दाल जो है वो मिल रही है हमें 13.10 पर केजी और मसूर मैंने दिखा दिया, ये काली दाल 9.35 पर केजी शान की, ओके और चने की दाल 9.25। कैरीफोर की अपनी कितने की थी, कैरीफोर की थी 4.1 की आधा किलो यानी कि तकरीबन 8.20 और शान की जो है वो 9.25 की है। आई होप कि ये थोड़ी इससे बेहतर होगी इसलिए शायद महंगी है, ये ईस्टर्न एक ब्रांड है इस तरह से डिफरेंट होता है। अब जैसे कि ये आपके आगे चने ये 11.50 के केजी है, ठीक है जी और मैं आपको क्या दिखाऊँ ये लोबिया बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, इट्स 12.25, ठीक है जी ये आ गए। और चलते हैं जी आगे, ये कैरीफोर की अपनी पैकिंग में तमाम चीज़ें हैं रखी हुई, आप इन जनरल देख रहे हैं, पॉज करके फिर आप लोग खुद ही प्राइस देख लीजिएगा जूम वूम करके, मैं थोड़ा सा पीछे होके आपको सारी चीज़ों के दिखा देता हूँ, ठीक है भाई फिर पॉज करके जूम करके जो भी देखना हो देख लें। तो ये आ गया सीन,
फिर ये एक और ब्रांड आ गया, इसकी भी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा जी, अब राइस की तरफ आ जाते हैं हम। राइस के अंदर इंडियन गेट के राइस रखे हुए हैं, 5 kg का बैग है, 49.95। ठीक है जी, ये इंडियन राइजेज हैं सारे और ये इनके डिफरेंट प्राइजेज हैं। फिर आप आ जाएं लाल किला के, आ गए मेहरान के, आई थिंक ये पाकिस्तान के होंगे। मेहरान के 5 kg के आपको पड़ रहे हैं 51 के। ठीक है जी, ये थोड़े से कॉस्टली है, यहाँ पे वैसे इतने महंगे नहीं मिल रहे होते, 40, 35, 40 इसमें मिल जाता है। अच्छा ये देखें, यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ों पे ऑफ़र्स भी लगी हुई होती है। अब आई डोंट नो ये थोड़ी सी पुरानी हो गई इस वजह से क्या वजह है, अभी ये ऑफ़र लगी हुई है। 2 का पैक है, यानी कि 1 kg वाला ये 2 का पैक है 11.5 का। ठीक है भाई, ये 2 किलो मिल रही है अब आपको उतने प्राइस में जितने में 1 किलो मिल रही थी। ठीक है, तो ये चने के लिए भी ये ऑफ़र में लगे हुए हैं 22 के 2 अगर आप लेते हैं। तो इस तरह की ऑफ़र्स ना अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, आगे भी बहुत सारी लगी हुई होती हैं। यहाँ के सुपर मार्केट में क्या सीन होता है कि आपको डिफरेंट चीज़ों के शेल्फ़ के प्राइस अलग होते हैं, आगे ऑफ़र पे एक अलग से लगाया हुआ होता है उसके प्राइस अलग होते हैं। तो अगर आप शेल्फ़ में से देखकर कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि उसके ऊपर अगर कोई ऑफ़र है तो वो ऑफ़र वाली जगह से आप उठाएंगे तो वहाँ से वो प्राइस आपको मिलेंगे, शेल्फ़ से वो प्राइस नहीं मिलेंगे। तो पहले तो ऑफ़र वाली सारी चीज़ें देख लें कि जहाँ जहाँ पर ऑफ़र है जिस जिस चीज़ों पर और किस किस चीज़ पर नहीं है। अगर जिस चीज पर ऑफ़र है तो वो चीज़ फिर आप शेल्फ से ना उठाएं, वो फिर आप डायरेक्ट ऑफ़र वाली जगह से उठाएं। अब ये फॉर एग्जांपल आप ले लें कि ये अमेरिकाना के कैचअप्स हैं, ठीक है, ये ऑफ़र में लगे हुए हैं कि ये 2 का पैक है और 2 का पैक मिल रहा है 15 का। ठीक है, अगर आप शेल्फ से उठाते हो तो 1 पीस होता और हो सकता है वो 10 का होगा, तो वो आपको 10 का ही पड़ेगा। ये ऑफ़र वाली चीज़ें आपको ऑफ़र वाली जगह से मिलेंगी। ये जिस तरह से ये सारे ऑफ़र्स लगे हुए हैं सामने फ्रंट पे, अंदर शेल्फ पे कुछ इस तरह से नहीं होता, ऑफ़र सारी आपकी बाहर लगी हुई है। अच्छा जी, सर्फ वगैरह मैं आपको बता दूं, अब ये टाइड के ऊपर एक ऑफ़र लगी हुई है कि ये मिल रहा है 68 के 2 पैकेट, यानी कि ये ऑटोमेटिक वाले हैं और ये 2.5 kg वाले 2, यानी कि 5 किलो मिल रहे हैं आपको 68 के। फिर इसी तरीके से ये एरियल के ऊपर भी ऑफ़र लगी हुई है, अब एरियल के भी ये 2.5 kg वाले 2 बॉक्स हैं और मेरे ख्याल से इसकी प्राइस यहाँ पर लिखी हुई होगी, ये भी 68 के। ठीक है जी, एरियल और ये पूरी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और ये भी 68 का। कि अब ये मैं आपको बताऊं कि ये सर्फ मैंने जो है वो अभी लास्ट वीक ही लिया है, टाइड पे जो 68 रेट लिखे हुए हैं ये ज़्यादा है। मैंने नेस्टो से लिया था, हाइपर मार्केट यहाँ पे बहुत सारी हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की हैं, डिफरेंट हैं और सबके प्राइस मैंने आपको बताया ना। कैरी फोर के भी अगर आप देखेंगे ना तो कैरी फोर में भी डिफरेंट लोकेशन के डिफरेंट प्राइस होंगे। तो मैं आपको अगर जैसे भी ये टाइड का मैं बताऊं कि मैंने ये 45 के 2 पैकेट लिए हैं, ठीक है, ये जो 68 के यहाँ पे मिल रहे हैं, इतना डिफरेंस आ जाता है। तो यू हैव टू सर्च के कहाँ पे कौन सी चीज़ सस्ते में मिल रही है वो फिर आपने लेनी है, या फिर आप आपको डेजिग्नेट कर लें, आप बहुत सारे जो सुपर मार्ट हैं उन्हीं सुपर मार्ट्स को आप फिर चूज़ करें और वहीं पर जाकर परचेज करें, और कौन सी ब्रांच है जहाँ पर अच्छे प्राइस में, तो फिर आप वहाँ से अपनी सेविंग कुछ निकाल सकते हैं। मतलब सेविंग क्या, कुछ कम पैसों में चीज़ ले सकते हैं, सेविंग तो होती नहीं है यहाँ पर। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताऊँ कि 45 का मैंने लिया और यहाँ पे 68 का मिल रहा है ऑफ़र में, ठीक है, वहाँ पे भी ऑफ़र लगी हुई थी, वो ऑफ़र में 45 का था। तो ये चीज़ें होती हैं दुबई के अंदर ना, बहुत सोच समझ के और ध्यान से चीज़ें करनी है। ये नहीं कि कहीं कोई चीज़ देख ली कि ऑफ़र लगी हुई है, सस्ते में मिल रहा है तो फ़ौरन से ले लें, मेक श्योर कर लें कि ये ऑफ़र कितनी वैलिड है। एज पर एक्चुअल देखा जाए तो ये सस्ते में ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सस्ते में कहीं और से मिल रही है ना, मुझे पता है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है मुझे नहीं पता होता तो मैं बोलता यार 68 में बड़ा सस्ता मिल रहा है ले लेते, तो थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए इंसान को, ढूंढना चाहिए चीज़ों को। और ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप हर वीक जो है वो ढूंढे जाके या हर मंथली जाके कहीं पहले ढूंढे फिर ग्रॉसरी करें, थोड़े टाइम में आपको आइडिया हो जाता है ये कहाँ से कौन सी चीज़ कितने की मिल जाती है, तो फिर वहीं से बंदा जाके चीज़ें ले रहा होता। तो इस आइडिया को अपने डेवलप करना, ओके। अच्छा देखिए, जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा था ना, बाहर ऑफ़र में कितने की लगी हुई थी ये टाइड ऑटोमेटिक वाला 68 का, और ये यहाँ पर 1 पीस कितने का है 43 का। ठीक है, तो ये अगर आप शेल्फ से उठाएंगे ना ये, तो ये आपको 43 का ही पड़ेगा। अगर आप बाहर ऑफ़र से उठा लेते तो आपको 68 में 2 मिल जाता है।
तो ये चीज़ है। अच्छा जी भाई, हम आ गए हैं चाय की पत्तियों की तरफ। मैं वो सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो कि नॉर्मली यूज़ की वाली होती हैं, जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं बींग अ पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी। ठीक है जी, तो ये आ गए। अच्छा, कैरीफोर वालों की अपनी भी चाय की पत्तियाँ हैं, लिप्टन के भी हैं, और ये बस यहीं पे ख़त्म होगा जो यही वाला है। ठीक है जी, लिप्टन के ये कितना ग्राम है मेरे भाई, 200 ग्राम की चाय की पत्ती 9.70। ठीक है जी, और थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग वाले हैं, ये टी बैग्स हैं, इसको छोड़ देते हैं हम। टी बैग्स के प्राइस भी अगर आप देख लें, अगर आप लोगों ने देखना है तो। फिर ये आ जाता है ब्रुक बॉर्न, मेरे ख्याल से इंडिया की है ये, बड़ी मशहूर। तो इसके जो प्राइस हैं वो 18.70 हैं, ये रहे। ठीक है भाई, और ये कितना ग्राम है, 370 ग्राम। फिर ये आ जाता है नोटेला शोटेला, ये 30 का है और ये है 750 ग्राम। अच्छा भाई, अब मैं ये आ गया हूँ आटे वाली साइड पे। ठीक है भाई, ये है चक्की का आटा और ये मिल रहा है 10.5 का, और ये मेरे ख्याल से 2 किलो होगा तकरीबन, लग रहा है मुझे 1 किलो से तो ऊपर ही है ये। ठीक है जी, और ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट आटास पड़े हुए हैं, और ये स्पेशल ऑफ़र में ये 2 पैकेट हैं, और इसका प्राइस यहाँ पर मेंशन नहीं, मेरे ख्याल से यही वाला है, हाँ यही वाला है, 16.3 का। ठीक है जी, ये एक लेंगे तो 10 का है और 2 लेंगे तो 16 का, ये ऑफ़र है यहाँ पर। अच्छा जी, फिर ये आ जाता है जिसको वाइट आटा हम कहते हैं, मैदा कहते हैं, या कुछ भी कहते हैं आप इसको। ठीक है जी, ये मिल रहा है आपको 9.75 का पर केजी। इसका 2 केजी वाला भी पैक आता है, इसमें ऑफर्स बहुत सारी आ रही होती हैं, तो ये चल रहा होता है। फिर हम आ जाते हैं शुगर पे। कैरीफोर की अपनी वाइट शुगर है 23.25 की 5 केजी। ठीक है जी, 23 धरम के 5 किलो। फिर ये दूसरे और ब्रांड्स के हैं, रिफाइंड है। ठीक है, वाइट शुगर का ये 10 केजी का पैक पड़ा हुआ है, और ये है 45 है। ठीक है जी, फिर आ जाता है। अच्छा, ये कुछ ब्राउन शुगर्स मैं आपको दिखा दूँ, ये ब्राउन शुगर है यहाँ पर, और ये है 12.55 की, वो 8, 9, 5 इस तरह से चल रहे थे। ये ब्राउन शुगर जो है वो 12.55 की पर केजी। ये 7 वाली भी है, मिलने को आपको कुछ भी मिल सकता है और कितने भी मिल सकता है भाई, देखना आपने कौन सी चीज़ लेनी है और कितने की लेनी है। ठीक है जी, हर ब्रांड के हर प्राइस है, पाउडर्स भी है और क्रिस्टल्स भी हैं। और अच्छा यार, यहाँ पर ना डाइपर्स बहुत महंगे हैं, मतलब दुबई की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, यहाँ कैरीफोर की बात नहीं कर रहा। ये आप एक जंबो पैक देख रहे हैं कितने का, 128। ठीक है, मैं आपको इसके सारे वो दिखा देता हूँ कि डिफरेंट। अब ये छोटे साइज़ में इसलिए 55 है, जंबो पैक नहीं है इसका। अगर ये पैम्पर्स का नाइट है 79। ठीक है, 68 पैंट्स हैं, और ये 3 साइज़ है छोटे बच्चों के लिए, थोड़ा सा और बड़े बच्चे होंगे तो उनका और महंगा है, ये 77 के। अच्छा, ऑफ़र्स की बात मैं आपको बता रहा था तो मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें, ये माई दुबई का कार्टन है पूरा। ठीक है, पानी है ये, मिनरल वाटर, 500 ml की बॉटल्स हैं उसमें, और ये कितने की है। ठीक है भाई, ये चीज़ आपने देख ली। अच्छा, ये जो अभी आपको मैंने दिखाया माई दुबई की 24 बोतलें 500 ml वाली, कितने की लगी हुई है। और अब मैं आपको यहाँ कहीं, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मैंने नून से एक ऑफ़र लगी हुई थी नून के ऊपर, तो उस पर 70 या पता नहीं 80-90% ऑफ चल रहा था, तो उस वक्त मैंने ये ऑर्डर किया है। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ यहाँ पर इधर। तो उससे क्या है कि मुझे 3 दरम का ये पूरा कार्टन पड़ा, 3.9 ऐसी कुछ था, तो ये पूरा कार्टन ये 3 दरम का पड़ गया। ऑफ़र्स की मैं अगर बात कर रहा था ना, तो ऑफ़र्स तो भाई यहाँ पे कुछ भी हो सकती हैं और कैसी भी हो सकती हैं। ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो कि 24-25 दरम की मिल रही है, वो आपको 3 दरम में भी मिल सकती है, ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल हो जाता है। तो बेस्ट ऑफ़र्स का इंतज़ार करते रहें, देखते रहें, जहाँ पर जो चीज़ जितने अच्छे ऑफ़र्स में जितने अच्छे पैसों में मिल रही है फ़ौरन लेना। मैंने तो भाई उस दिन 3 कार्टन ऑर्डर कर दिए, मैंने कहा भाई आने दो आने दो, पानी ना ख़राब होता है ना कुछ होता है ना एक्सपायर होता है, मंगवा लो, इस्तेमाल ही हो जाएगा। चले जी, ऑयल रह गया था तो ऑयल भी मैं आपको दिखा दूँ। सनफ्लावर का ऑयल ये 32.25 में। ठीक है जी, ये एक ब्रांड का है और ये एक दूसरा ब्रांड है, सोया सन्नी, और ये 30 का। ठीक है जी, ये डिफरेंट ब्रांड्स के ऑयल लगे हुए हैं यहाँ पर। और भाई ये आ गया मेरा और आपका रूह अफजा,
और रू अफजा मिल रहा है हमें 7.75 का। ठीक है भाई, मिल सब कुछ जाता है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आपको अपने मुल्क की कोई याद आएगी कुछ नहीं मिल रहा होगा, सब मिलेगा। हाँ तो भाई ये हो गया कैरी फोर का विज़िट आपका, जो कि है डेरा सिटी सेंटर में। ठीक है भाई, कैरी फोर डेरा सिटी सेंटर के प्राइजेज मैंने आपको बता दिए कि वेजिटेबल के क्या चल रहे हैं, फ्रूट के क्या चल रहे हैं, ग्रॉसरी के क्या चल रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट और भी सुपर मार्ट्स हैं, हाइपर मार्ट्स हैं, जहाँ पे डिफरेंट प्राइजेज होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, उसके बाद फिर आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि डिफरेंट और जो हाइपर स्टार हैं या डिफरेंट और जो सुपर मार्ट्स हैं, उनका अगर आपको इस तरह से की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि फिर मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा और आपको प्राइस कंपैरिजन भी बताऊंगा कि वहाँ पे चीज़ कितने की मिल रही थी और यहाँ कितने की मिल रही है। तो आप लोगों को इससे आइडिया भी होगा और आप लोगों को एक एक्नॉलेज गेन होगी, पता चलेगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।